भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय लखनऊ के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना के गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज शाखा तथा महवा चुंकी शाखा के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन शाखा का परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम शाखा सौंदर्यकरण, शिकायत निवारण, सेवा संपन्नता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि ग्राहकों को खुशनुमा माहौल में बेहतरीन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराया जा सके। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने तारामंडल स्थित बैंक के प्रशासनिक कार्यालय प्रांगण में पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए इस नई पहल का उद्देश्य समाज के अंतिम वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। इसके तहत ग्रामीण शाखाओं के ग्राहकों के लिए जिला स्तर पर ही जिला सेल्स हब नामक ऋणों की प्रोसेसिंग केंद्र खोले गए हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए स्थानीय स्तर पर ही ऋण स्वीकृति किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को अपनी किसी भी आवश्यकता हेतु दूर ना जाना पड़े। त्योहारों पर बैंक द्वारा प्रस्तुत नई योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए श्री खन्ना ने बताया कि बैंक त्योहारों के अवसर पर ग्राहकों के आवास ऋण 6.9% ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के अलावा ऋणों पर लिए जाने वाले प्रोसेसिंग शुल्क भी माफ कर दिया गया है। उन्होंने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग पर फोकस करने की अपील करते हुए कहा कि बैंक SBI की डिजिटल बैंकिंग पर न सिर्फ सभी प्रकार की बैंकिंग बेहद आसान और सुविधाजनक है। इस मौके पर बैंक के महाप्रबंधक JS राणा, उप महाप्रबंधक PC बरोड़, क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक शेखर ठाकुर, मुख्य प्रबंधक राजीव रंजन प्रकाश, मनीष मठवाल, संजय कुमार जायसवाल, पंकज कुमार, संदीप पवार, विनोद कुमार, जितेंद्र कुमार, VP त्रिपाठी, प्रसून कुमार, संजय कालरा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए SBI के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने कहा, इसलिए की गई है कि हम हमारे रूरल एरियाज के अंदर, सेमी अर्बन एरियाज के अंदर अभी तक, क्योंकि हम हालांकि हमारी शाखाएं थी लेकिन शायद हम उन तक पहुंच नहीं पाते थे, वहां फोकस नहीं था, तो एग्रीकल्चर में, अलाइड एक्टिविटीज़ में और रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज के अंदर सभी जनमानस को, हमारे ग्राहकों को जो बैंकिंग सुविधाएं और अधिक बेहतर रूप से देने के लिए इस वर्टिकल का गठन किया गया है। यहाँ हमारा एक DSH है, एक RBO है, रीजनल बिजनेस ऑफिस है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन होगा। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट सेल्स हब बनाया गया है और इस हब में जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको ये कार्य दिया गया है कि वो जाएंगे गांव में, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में, डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस में, हर जो हमारे ग्राहक हैं उनके पास जाकर उनकी आवश्यकताओं को जानकर उनके हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट्स को ऑफर करेंगे। तो एक मार्केटिंग पूरी आउटफिट तैयार की गई है, पूरे देश भर में ये किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर किया गया है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री साहब भी जब भी हम उनसे मिलते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि हम डिजिटल को अपनाएं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर इस समय बहुत जोर दे रहा है और कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं नहीं है वहाँ CSP के माध्यम से, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके हम इन सुविधाओं को दे सकें। तो इन सभी DSH में भी, इन सभी फिल्म वर्टिकल की शाखाओं में कुछ ऐसी भी टीम बनाई गई है जो सिर्फ FI चैनल के रूप में काम करेंगी, हमारे BECs के साथ मिलकर, CSPs के साथ मिलकर। तो अभी करीब हमने पिछले 2 महीने के अंदर ही करीब 1000 नए CSPs की भी अपॉइंटमेंट की है जो कॉमन लोगों के बीच में जाकर बैंकिंग सुविधाएं देने का काम करेंगे।